हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों, अगर आप एनएस ओपन बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोगों का रिजल्ट आ गया है आरडब्ल्यू यानी के रिजल्ट वेटिंग, और अगर आप अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हो और सोच रहे हो कि यार हमारे रिजल्ट में आरडब्ल्यू लिखा हुआ गया, रिजल्ट वेटिंग लिखा हुआ रहा है, अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा और हम आगे चलकर किसी और क्लास में अपना एडमिशन करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, अगर आप लोग इस तरह के सवालों को लेकर परेशान हैं तो प्यारे बच्चों टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की ये वाली जो प्रॉब्लम है आरडब्ल्यू की वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है खास इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे पहले कि आप वीडियो को आगे चलकर देखें, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के आरडब्ल्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बच्चे का रिजल्ट दिखाता हूं जिसका जो है आरडब्ल्यू लिखा हुआ आ गया है। तो रिजल्ट देखने के लिए हम सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, लिखेंगे एनआईएस एग्जाम रिजल्ट और इसे ओपन कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहां पर आप लोगों को चेक रिजल्ट पे क्लिक कर लेना है और यहां पर जो है देखेंगे आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, जो भी आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर है। जैसे मैं एक बच्चे का एनरोलमेंट नंबर यहां पर टाइप कर देता हूं, उसके बाद नीचे आपको एक कैप्चा दिखा देगा, उसको आप फिल कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख पाएंगे एक बच्चे का रिजल्ट है जहां पर लिखा आ रहा है रिजल्ट आरडब्ल्यू। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखेंगे मार्कशीट विल बी इश्यू टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटली पास फॉर सर्टिफिकेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जो 100% पास होंगे। आरडब्ल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। प्यारे बच्चों, ये आरडब्ल्यू का मतलब रिजल्ट वेटिंग होता है और इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होता है, कम से कम तो 1 से 1.5 महीने का आप लोगों को वेट करना है। आप देखेंगे 1 महीने बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आरडब्ल्यू का अलग से शो किया जाएगा। जिस तरीके से आप पब्लिक एग्जाम रिजल्ट को चेक करते हो उसी तरीके से एनएस ओपन जो है वो आरडब्ल्यू का रिजल्ट डिक्लेयर करता है, लेकिन इसके अंदर जो टाइम लगता है वो 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आप पास हो या फिर फेल। तो प्यारे बच्चों, इसका जो है परिणाम जो है वो रिजल्ट आने के बाद ही आप लोगों को पता चलता है। आप लोगों को कम से कम 1 महीने का तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक काम और करना होता है। जो भी आप लोगों के पास में रीजनल सेंटर या फिर हेड ऑफिस, दोनों में से जो भी आप लोगों के एरिया में पड़ता हो, पास में हो, वहां पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखकर सबमिट करना होता है, जिसमें आप लोगों को लिखना होता है कि हमने अपने स्टडी सेंटर पर किसी भी तरह की कोई भी नकल नहीं की है और हम जो है बेकसूर हैं, हमारा जो है रिजल्ट शो किया जाए और हमने किसी तरह की कोई भी चीटिंग एग्जाम के अंदर नहीं की है। और जो है आप ये सारा स्टेटमेंट अच्छे से लिखने के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और इस तरह का स्टेटमेंट देकर अपने साइन करके अपना एड्रेस लिखकर मोबाइल नंबर लिखकर सबमिट कर देंगे। उसके 1 महीने बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो आरडब्ल्यू है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का आता है जिनके सेंटर पर नकल चलती है। अगर मान लीजिए आपने नकल नहीं की, लेकिन आपने जो है आपके जो सेंटर पर नकल चली थी और इसका जो है पता एनएस ओपन बोर्ड को लग गया है, तो वो आप लोगों का रिजल्ट वेटिंग में डाल देते हैं। या फिर आप लोगों के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मान लीजिए 5-7 बच्चों ने नकल की थी, आपने नकल की थी, तो जो है उसकी अगर खबर आपके एनएस ओपन बोर्ड के हेड ऑफिस को पता चल जाता है तो फिर वो आपका रिजल्ट वेटिंग में डाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को सिंपली अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है कि आपने नकल नहीं की, आप बेकसूर हैं और आप जो है
आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि आपको जल्दी से जल्दी अपने नोएडा ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस में जाना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है और एक से डेढ़ महीने का वेट करना है, आप लोगों का RW का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ सवाल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमें नॉर्मली व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट में हमसे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हमसे डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, फटाफट उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और जैसे ही आप हमारा अपॉइंटमेंट लेंगे हमारी तरफ से आप लोगों को कॉल बैक कर दिया जाएगा और आप हमसे कोई भी किसी तरह का प्रश्न NIS ओपन बोर्ड से रिलेटेड पूछ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया।